नमस्कार। हमारे क्लाइंट्स भी और आसपास के भी काफी क्लाइंट्स जो शायद हमारे क्लाइंट नहीं है वो वीडियोस देख देख के पूछ रहे हैं कि सर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का राउंड टू कब स्टार्ट होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि तो बहुत कंफ्यूजन है। और ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूँ, देखिए वो कट ऑफ निकालना बहुत मुश्किल है, तो मैं ये नहीं बताने वाला इस वीडियो में क्यों मुश्किल है। और आप मेरे जनरली वीडियोस देखेंगे तो मैं एक एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बताता, खासकर इस साल, जिसके पीछे काफी कारण है। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमेशा एक प्रिडिक्शन होती है कि लास्ट ईयर लोग कैसे बिहेव कर रहे थे, राइट? तो ये हम बार बार कहते हैं, खासकर जो प्राइवेट कॉलेज की निकलती हैं, कि इंडिया में सीटें तो 90,000 ही है ना, अब शायद बढ़ गई है इस साल थोड़ी और, लेकिन नीट क्वालिफाई किया था 8 लाख बच्चों ने, तो वही लॉजिक चलता है, फिर भी 109 नंबर पे भी सीट मिल रही है। तो कितने बच्चे बीच वाले बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, ये लिख के थोड़ा दे रखा है, इट जस्ट एन अजम्पशंस। बट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, सबसे पहली बात यह है कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आज जब 1 तारीख चल रही है, खत्म होने वाली है, जो हमें खबर आई है कि परसों से, शायद परसों आएगा नोटिफिकेशन, और एक अंदर ही खबर ये है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अंदर ही खबर है। देखिए, आईपी में बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि जिन लोगों को लास्ट राउंड में अलोकेट हुई थी सीट, कुछ और नहीं मिला है और उन्हें रिपोर्ट नहीं करा। सो आईपी का रोल ये होता है कि अब आप काउंसलिंग से डीबार हो गए, समझे? सो आईपी जो काउंसलिंग करा रही है दो कॉलेज की, अम्बेडकर और एनडीएमसी, आपने राउंड वन में आईपी का फॉर्म भरा, आपको सीट मिली और आपने वो 40,000 रुपये देखे, रिपोर्ट नहीं करा, तो टेक्निकली स्पीकिंग जो आईपी का सॉफ्टवेयर है उसमें आप अब राउंड टू में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। सो दिल्ली में एक्चुअली ऐसे काफी लोग थे जिन्होंने राउंड वन ऑल इंडिया कोटा से भरा, उनको ऑल इंडिया कोटा में कुछ कॉलेज मिल गया दिल्ली के बाहर का, उनको आईपी में ये कॉलेज मिला, एनडीएमसी या अम्बेडकर, और उनको ऐसा लगा कि हम आईपी में राउंड टू में देख लेंगे, तो उन्होंने 40,000 रुपीज खर्च जमा नहीं करे। और अब समस्या ये हो गई है कि एक फिलहाल जो करंट, अगर आप आईपी का रूल देखोगे तो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड टू। तो अंदर ही खबर जो मेरे पास आ रही है वो ये है कि शायद वो वही तभी समय लग रहा है, क्योंकि जो उनका करंट सॉफ्टवेयर है उसमें उन्हें चेंज करना पड़ रहा है इन लोगों की डिमांड को देखते हुए, और शायद वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ करेंगे उनके लिए भी जिनको राउंड वन में सीट मिली थी और जिन्होंने नहीं ली। प्रैक्टिकली उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है, और इसी की वजह से ही समय लग रहा है आईपी को अपना शेड्यूल लॉन्च करने के लिए। उसकी वजह से असली दिक्कत क्यों हो रही है, देखिए आईपी की कट ऑफ से शायद आप में से बहुतों को फर्क नहीं पड़ेगा, समस्या वही हो रही है कि आईपी मतलब दिल्ली, दिल्ली मतलब आपके 608, 610, 620 नंबर है, और आपको इस समय ऑल इंडिया कोटा में कोई राउंड टू में सीट अलोकेट हो रखी है, साउथ में, केरला में, तमिलनाडु में, और आप सभी दुविधा में है कि जाएं कि ना जाएं। मैं समझता हूँ, मेरे खुद के भी क्लाइंट्स हैं और जो हमें वैसे फोन्स आ रहे हैं। और खैर, ये मैं क्लैरिटी कर देता हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन होती है सबसे वजह है कि वे दिल्ली और उसके बगल के दो राज्य राजस्थान और हरियाणा की मैक्सिमम कट ऑफ्स हैं अदर देन बिहार। और इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है, राजस्थान और हरियाणा के काफी बच्चों का डबल डोमिसाइल होता है, खासकर जो हरियाणा के बच्चों का, बिकॉज दिल्ली के पास अगर आप रहते हैं तो आप उन्हें डमी स्कूल, नॉन अटेंडिंग स्कूल दिल्ली से क्या होता है, वो दिल्ली कोटा के चक्कर में। तो अब क्यों कंफ्यूजन है कि जब आप मेरिट लिस्ट देखते हैं तो देखिए, अपने पास राजस्थान ने प्रॉपर मेरिट लिस्ट भी निकाली थी, फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट भी निकाली थी, अभी राउंड टू की मेरिट लिस्ट तो आएगी 2 दिन में, अभी तक तो रजिस्ट्रेशन चल रहा था ना आज तक। हरियाणा ने मेरिट लिस्ट नहीं निकाली थी, प्रोविजनल अलॉटमेंट निकाल दी राउंड वन की। दिल्ली ने मेरिट लिस्ट निकाल रखी है, आईपी ने लक्ष्य नहीं निकाली, पर दिल्ली का फायदा हमें यह है कि चूंकि दिल्ली के 7 में से 5 कॉलेज एमसीसी काउंसलिंग करा रहा है, और एमसीसी का तो हमें दोनों राउंड का अलॉटमेंट पता है, तो हमें सब कुछ पता है, तो एक सीधा रास्ता हो जाता है कि भाई दिल्ली में आप देख लो, अगर आपकी एक एक्स रैंक है, आपके ऊपर कितने बच्चे हैं जो दिल्ली मेरिट लिस्ट निकली थी, ये देखिए कितने बच्चे हैं जिनको भी दिल्ली नहीं मिला है, आप अलॉटमेंट टू शीट को देख के, लेट्स से आप जनरल कैटेगरी के आपके ऊपर 70 बच्चे आते हैं, अब इन 70 बच्चे में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली हुई है, आइडियली सबको मिली हुई होगी ये मैं मान के चलता था, लेकिन मैंने अभी पाया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ऑल इंडिया कोटा में सीट नहीं मिली। अब ये बच्चे कौन से हैं, मैं ये नहीं मान सकता कि बच्चा ऐसा होगा कि वो भरेगा नहीं ऑल इंडिया कोटा या कोई सीट लेगा नहीं। अब मुझे डाउट ये है, डाउट क्या कन्फर्म भी हो सकता है कि ये हरियाणा राजस्थान के बच्चे हैं जो दिल्ली डोमिसाइल के भी हैं,
इसलिए ये दिल्ली की मेरिट लिस्ट में भी है, दिल्ली का डोमिसाइल तो 11th करके मिल जाता है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा तो 2 लेने के बदले अपने स्टेट्स का राउंड 1 ले रखा है और वो अब वेट कर रहे हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर रोल नंबर का नाम आपको ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिल रहा है, आपको हरियाणा में या राजस्थान में मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा क्रॉस कनेक्शन है। जब आप हरियाणा की लिस्ट को दिल्ली की लिस्ट को देख रहे हो तो उसमें से काफी बच्चे ऐसे भी सुनते हैं जिनके पास अदर देन दिल्ली एंड ऑल इंडिया कोटा हरियाणा और राजस्थान का भी डोमिसाइल होगा। दूर दूर का भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मैक्सिमम होता है कि भाई जो बॉर्डर लगता है दिल्ली का, काफी वहां के इंस्टीट्यूट्स हैं जो दिल्ली के ही डमी स्कूल को प्रमोट करते हैं, यूपी में भी करते हैं, बट यूपी में चूंकि कट ऑफ इतनी नीचे ऑलरेडी जा चुकी होती है तो कन्फ्यूजन इतनी ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी फ्री भी हो सकती है। सो यूपी में भी आपके पास स्टेट मेरिट लिस्ट तो है, अलॉटमेंट लिस्ट वो लोग वैसे निकालते हैं, आपको कॉलेज बाय कॉलेज निकालना पड़ेगा किस पे कट ऑफ खत्म हुआ है, बट रोल नंबर निकालना और मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इन सब कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगाने पड़ रहे हैं और वेरी फ्रेंकली मैं भी एक एग्जैक्ट नतीजे पे नहीं पहुंच पाया। और फिर एक और वजह आ जाती है, आई होप ये आप सबको मालूम है कि दिल्ली की लिस्ट में आपको जो फिलहाल जर्नल नजर आएंगे वो जब आईपी की काउंसलिंग होगी तो पता चलता है ओबीसी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे काफी दिल्ली में लोग हैं जो नेशनली ओबीसी हैं लेकिन दिल्ली के में उनकी दिल्ली में वो नेशनली जर्नल है, दिल्ली में ओबीसी है। अब जब वो एमसीसी का फॉर्म भरते हैं उन्हें आपको जर्नल दिखाना पड़ता है, पर जब आईपी का फॉर्म भरते हैं तो अपने आपको ओबीसी दिखा पाते हैं। ये भी वैसे उन लोगों के लिए अन्याय है जो दिल्ली का रहने वाला हूं मैं मुझे दिल्ली में ओबीसी मिला है अपने स्टेट में, लेकिन जब नेशनल लेवल में बात होती है चलो मैं जर्नल हूं, लेकिन चूंकि मेरे 7 में से 5 कॉलेज दिल्ली की काउंसलिंग एमसीसी करा रहा है तो मैं वहां पर भी जर्नल बन जाता हूं। बट अब ये बच्चे जर्नल से ओबीसी हो जाएंगे तो जो जर्नल वाला बच्चा गिन रहा है अपने आप को ओबीसी वाला गिन रहा है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर जितने ओबीसी बच्चे हुए हैं हमेशा कहता हूं 7वें जर्नल भी गिनो, क्योंकि जर्नल में से कुछ ओबीसी भी होंगे। कितने ओबीसी होंगे वेरी फ्रेंकली, तो जो लास्ट ईयर का मेरा डेटा आज तक का अनुभव रहा है, इस साल का भी ब्रॉड में एनालिसिस बताऊं, सो 5 से 10%, मतलब एक एग्जैक्ट फिगर तो 6% है, तो मैंने 5 से 10 बोल दिया कि हर दिल्ली के 10 जर्नल में से एक हो सकता है जो ओबीसी बन जाए जब आईपी की काउंसलिंग आएगी, क्योंकि 3-4 बड़ी प्रोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, जाट हो गए जिन जो अब दिल्ली में ओबीसी आ जाते हैं, तो ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं समझ सकता हूँ आप सब लोगों की व्यथा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा 2 ले रिपोर्ट करें या ना करें, एक मेरा बड़ा सिंपल सोल्यूशन यही था जो इस साल हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा या पड़ रहा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा 3 भी हो रहा है और उसमें फिर वही लॉजिक था कि मैं सबको कह रहा था जो मैंने वीडियो में नहीं बताया था, मैं क्लाइंट्स को बोला था कि आप 290 ऑप्शन भर के एक सीट जरूर ब्लॉक करो ताकि जब राउंड 3 आएगा तो आपको कम से कम वो सीट तो मिल ही जाएगी। लेकिन मेरे फिर कुछ क्लाइंट्स ने जो अपने अपने बच्चे का एनालिसिस करते हैं हमसे समझ के, उन्होंने बताया असल समस्या ये है कि जैसे मैं 614 वाला हूँ, मेरे को एक्स सीट मिली थी कर्नाटका की, आपके बात ठीक है मैं आईपी का वेट करना चाहता हूँ, तो मैं मुझे ये अश्योरिटी है कि कर्नाटका की दोबारा मिल जाएगी, लेकिन सर मैंने अभी बच्चा देखा दिल्ली का 616 नंबर का या हरियाणा का जिसने ऑल इंडिया कोटा में से एक भी सीट नहीं मिली है, तो ये भी तो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में आ जाए, विच इज सरप्राइजिंग। तो मैंने ये कहा शायद हरियाणा का बच्चा हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी होगा और क्या पता वो आईपी ट्राई कर रहा होगा, तो ये कन्फ्यूजन भी हैं। तो शायद जो मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि जो भी लोग ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में सीट अलोकेट करा चुके हैं उनकी कम से कम वो सीट अश्योर्ड है, ऐसा मैं अब गारंटी से नहीं कह सकता, 95% है, 100% नहीं है, क्योंकि हमें पाया जा रहा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑल इंडिया कोटा 1-2 दोनों ही अलॉटेड लिस्ट में नहीं है और जिनके पास अभी भी कोई सीट नहीं है, उनमें बात करूँ 615-618 नंबर वालों की, तो अगर उनको अब अपने हरियाणा स्टेट में दिल्ली स्टेट में राउंड 2 में नहीं मिलता है तो हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में चले जाए। तो वो गारंटी नहीं है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा की सीट लेके नहीं लेते तो आपको दोबारा मिल जाएगी सेट 2 से। सिमिलरली कुछ लोगों ने फिलहाल उल्टे सीधे ऑप्शन भरी थी, तो हमने पाया है कि 615 वाले ने तमिलनाडु का नया कॉलेज भर दिया था जिसकी वजह से 611 वाले को तो फिलहाल कर्नाटका मिल गया है। अब अगर 615 वाले ने राउंड 3 में समझदारी से कर्नाटका ऊपर भर दिया जो पुराना कॉलेज है 20 साल, तो उसको वो मिल जाएगा। तो अब लोगों को ये भी कंसर्न है कि सर अच्छा भला फिलहाल कर्नाटका मिला हुआ है, कल को पता चले तमिलनाडु के नए कॉलेज में जाना पड़ जाए। सो वही मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली बहुत कन्फ्यूजन है, आई थिंक यू हैव टू टेक योर ओन जजमेंट्स। मैं फिर भी कहूंगा जो मुझसे ब्रॉडली लोग पूछते हैं कि अगर आप मार्जिन पे अगर दिल्ली की बात करें आप गिनिए कि बस लास्ट अलॉटमेंट और आपके बीच में कितने लोग हैं, जिनकी गिनती ही आ रही है कि भाई
जर्नल में मैंने देख लिया सर, दिल्ली मेरिट लिस्ट में फलाना बच्चे को UCMS मिल चुका और मैं 5 ही नीचे हूँ या 8 ही नीचे हूँ, तो फिर तो आपका अम्बेडकर पक्का है ना। जनरल में 38 सीटें, जो ऐसे बच्चे हैं वो श्योर है। मुसीबत में वो है जो जनरल में लेट से 60 नंबर पे है और NDM से और अम्बेडकर सीट मिला के लेट से 50 पे खत्म हो रही है, तो मैं 10 नीचे हूँ, मैं क्या करूँ। तो उनको मैं कह रहा हूँ क्योंकि तुम 10 नीचे हो शायद आप चांस ले सकते हो। लास्ट ईयर ये था कि आप 25 भी नीचे होते तो आपको शायद मिल जाती, क्योंकि लोग ऑल इंडिया कोटा टूर को पक्का रिपोर्ट कर रहे थे। तो सर काफी कंफ्यूजन है, शायद मैं भी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा कि तू ये कर या ये कर। मैं ऑनेस्टली एडमिट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बोल दिया तो मैं बस सामने चीजें रख देता हूँ कि भाई लुकिंग एट एवरीथिंग आपका 95% चांस है कि आपको मिल जाएगी, पर 5% है ना कि ना मिले। अब ना मिले तो फिर आप हमारी गर्दन मत पकड़िएगा, तो उसके हिसाब से आप एक अपना डिसीजन लीजिए। ये हमें भी अपने क्लाइंट्स को कहना पड़ रहा है और इसलिए जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, मैं बड़े आदर से कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा। लॉजिक यही है कि IB अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो क्योंकि राउंड 2 अलॉटमेंट हो चुकी है कि इतने बच्चे हैं जिन्होंने दिल्ली ले ली है, वो दिल्ली को ही नहीं छोड़ता। जो पहले 5 कॉलेज हैं UCMS, लेडी हार्डिंग, MMC, महावीर और अटल बिहारी वाजपेयी। हरियाणा में अलग कन्फ्यूजन है क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड का चक्कर है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हरियाणा में अलॉटमेंट 1 है फिर भी वो दिल्ली की वेट कर रहे हैं राउंड 2 की, क्योंकि उनको IP चाहिए बिना बॉन्ड का। अगर उन्हें दिल्ली नहीं मिला तो आपको शायद तीनों। राजस्थान में एक कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि राजस्थान में कोई वैसा बॉन्ड नहीं है, तो राजस्थान पर हरियाणा का बच्चा अपना कॉलेज छोड़ सकता है अगर उसे दिल्ली में जाए। हरियाणा का बच्चा तो शायद रोहतक भी छोड़ दे PGMS अगर उसको दिल्ली का IP मिल जाए बिकॉज ऑफ बॉन्ड, जो हरियाणा दिल्ली में कन्फ्यूजन नहीं है। सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये, देखिए। और मैं ऑनेस्टली लोगों से ये कहता हूँ कि जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो अगर किसी एक बच्चे के लिए इतनी कैलकुलेशन इतनी वो करनी है तो इट इज एक्चुअली टेकिंग आर्स एंड आर्स फॉर अस, और बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। और वो समय देने के लिए जो शायद एक पर्याप्त फीस थी वो नहीं दी गई थी, तो फिर हम भी कहाँ से करें। तो मैंने आपको फिर भी एक फॉर्मूले फ्रेमवर्क दे दिया, आप इसके हिसाब से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, IP स्टार्ट होने वाला है। धन्यवाद।